स्वागत है आपका टारगेट विद सचिन सर में। आज तारीख है 16 जुलाई 2020। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन 11 जुलाई, सेकंड ऑप्शन 13 जुलाई, थर्ड ऑप्शन 15 जुलाई एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन सोहम मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन मनोहर मित्तल, थर्ड ऑप्शन प्रतीक गर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है सोहम मुखर्जी। सोहम मुखर्जी ने हाल ही में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन चीन एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन 2.1 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 2.5 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन 2.8 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2.8 किलोमीटर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन खुशवीर सिंह, सेकंड ऑप्शन दिलीप सिंह, थर्ड ऑप्शन अशोक कुमार, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एम चंद्रशेखरन, सेकंड ऑप्शन सचिन अवस्थी, थर्ड ऑप्शन प्रतिभान जोशी एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन अमित शाह, थर्ड ऑप्शन राजनाथ सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह होप को मंगल ग्रह पर भेज रहा है? फर्स्ट ऑप्शन रूस, सेकंड ऑप्शन भारत, थर्ड ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह जिसका कि नाम होप है को मंगल ग्रह पर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं, इनका संबंध किस से है? फर्स्ट ऑप्शन डिजिटल शिक्षा, सेकंड ऑप्शन महिला स्वास्थ्य, थर्ड ऑप्शन COVID-19 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डिजिटल शिक्षा। प्रज्ञता दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। ऐसे ही प्रतिदिन टॉप 10 करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।